आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त खबरों का। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भोपाल लोकायुक्त की टीम ने पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर समेत नगर सैनिक को 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैक किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में स्थित श्यामपुर थाने में की गई है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही श्यामपुर थाने का प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अचानक से पहुंचकर निरीक्षण किया था, जिसके बाद आज लोकायुक्त ने थाने के प्रभारी अर्जुन जायसवाल और सैनिक अजय मेवाड़ा को ही रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया है। बताया गया कि आरोपी एसआई ने नगर सैनिक के माध्यम से रिश्वत की यह रकम फरियादी से बिलेरो वाहन चोरी हो जाने पर उसकी रिपोर्ट लिखने के एवज में मांगी थी। जानकारी के मुताबिक फरियादी भागीरथ जाटों निवासी श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को 24 मई को लिखित शिकायत की थी। आवेदक ने इसमें कहा था कि उसके द्वारा बिलेरो वाहन की चोरी की रिपोर्ट थाना श्यामपुर में लिखाई गई, जिस पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक अर्जुन जायसवाल ने आवेदक को ही थाने में बैठा लिया और उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही कहा गया कि आवेदक गांजा बेचता है, जिसकी गाड़ी ओडिशा में पकड़ी गई थी, जिसकी झूठी रिपोर्ट वह थाने में लिखा रहा है। थाना प्रभारी अर्जुन जायसवाल द्वारा डरा धमका कर आवेदक से 50,000 रुपयों की मांग की गई और न देने की सूरत में धोखाधड़ी के केस में फंसाने की धमकी दी गई। लोकायुक्त की जांच में आवेदक की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद धारा 7 PC Act का प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में 27 मई की रात्रि लगभग 11:30 बजे आवेदक से 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक अर्जुन जायसवाल और नगर सैनिक अजय मेवाड़ा को थाना श्यामपुर में रंगे हाथ पकड़ा गया। मामले में लोकायुक्त ने एसआई समेत नगर सैनिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का तहत मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है।